दोस्तों आज मैं आपको जो फोटो का आइडिया बताने वाला हूँ ना, वो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आज मैं आपको एक ऐसे फोटो का आइडिया बताने वाला हूँ जो यहाँ पर फेसबुक पर किसी ने अभी तक अपलोड नहीं किया, और यहाँ पर उस पर आपको सबसे ज्यादा लाइक्स आने वाले, सबसे ज्यादा कमेंट्स आने वाले हैं, क्योंकि उस टाइप का फोटो रहेगा क्विज वाला। आप यहाँ पर लोगों से पहले पूछोगे, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर इस पेज पर यहाँ पर देख सकते हो 40,000 फॉलोअर्स है। एंड देखो यहाँ पर एक रील अपलोड किया जाता है, ABCD में यहाँ पर कौन सा अक्षर नहीं है, इस तरीके से ये पहेली है, इन्होंने रील्स बना के डाला है, हम फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। देखो 2600 लाइक्स है। एंड अब मैं आपको फोटो का प्रोसेस भी बता दूंगा, देख सकते हो एक पेज और मैं आपको दिखाता हूँ, 24,000 फॉलोअर्स है। एंड सेम यहाँ पर वही रील्स अपलोड किए जाते हैं। देखो यहाँ पर पहली वाला एक रील अपलोड किया गया, देख सकते हो इसमें तीन पैर वाले घोड़े कितने हैं यहाँ पर, तो देख सकते हो 14,000 व्यूज आए इस रील पर। एंड और मैं अगर आपको आगे बताता हूँ, देखिए इस तरीके से यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं ये फोटोज वगैरह, रील्स वगैरह यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपको सबसे पहले इस तरह का पहेली लाना कैसे है, इस तरह का फोटो कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद अगली वीडियो आएगी कैसे आपको इस तरह का पहेली वाला रील बनाना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पहले बताता हूँ आपको कैसे अनलिमिटेड पहेली लाना है, एंड इसके बाद कैसे आपको फोटो को एडिट करके कन्वर्ट करना है हाई क्वालिटी में, कैसा क्या सारा कुछ प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट उससे पहले अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये लाइव प्रूफ अर्निंग देख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फोटो को अपलोड करके $1400 का अर्निंग जनरेट किया गया है, एंड पे आउट आप लाइव देख सकते हो। भाई फोटो अपलोड करके लोग इतना ज्यादा यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। और फोटो अर्निंग कैसे होती है तो मैं आपको बता दूं, फेसबुक पर बोनस का ऑप्शन रहता है, जिससे आपकी फोटो पर कितने लाइक्स आए उस हिसाब से आपको यहाँ पर डॉलर फेसबुक देता है। और भाई सबसे खास बात क्या है, फेसबुक पर जो बोनस का ऑप्शन है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप 0 फॉलोअर्स पर भी बोनस का ऑप्शन ले सकते हो। बस उसके लिए आपको यहाँ पर एक दिन में 20-30 फोटो अपलोड करनी होगी, लेकिन उसके लिए आपको फोटो बनाना आना चाहिए और आपकी फोटो पर एंगेजमेंट आएगा, लाइक आएगा, तभी तो आपको बोनस का ऑप्शन मिलेगा। तो उसके लिए आपको इस तरह की पहली वाला यहाँ पर जो फोटो जनरेट करना पड़ेगा। तो लोगों के सामने जो क्विज वाले फोटोस आते हैं वो उसको स्किप नहीं करते, वो पहले उसको खूब देर तक देखेंगे, पहले लाइक कर देंगे एंड कमेंट में उसका आंसर भी बताएंगे, जिससे आपको जो एंगेजमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाता है एंड बोनस का ऑप्शन आपको जल्दी से जल्दी मिलने के काफी ज्यादा चांस हो जाएंगे। तो फटाफट हम बात कर लेते हैं कैसे हम इस टाइप का फोटो जनरेट करना है। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इसका नाम यहाँ पर इमेज सर्च मैन। इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप फ्री में डाउनलोड कर लेना। एंड यहाँ पर सबसे पहले आपके यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कार्टून हॉर्स, यहाँ पर मैं इतना सर्च कर लेता हूँ देखिए। एंड इसके बाद सर्च मैंने क्लिक कर दिया, तो मैंने इस वाली पिक को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। इसको सिंपल से आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लाइव प्रूफ देखिए। अब आपको एक एप्लीकेशन और डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम यहाँ पर पिक्सल है, इसको प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। एंड डाउनलोड करने के बाद यहीं से हमें अपना फोटो बनाना है, एंड यहाँ पर हमारा काम खत्म हो जाएगा। सिंपल से यहाँ पर फोटो एडिट करके हम फेसबुक पर अपलोड कर देंगे, लेकिन उसमें आपको कुछ हैशटैग चाहिए जो कि आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जिससे आप अनलिमिटेड हैशटैग जनरेट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड डाल के। वो कीवर्ड कौन सा है और वेबसाइट कौन सी है सारा कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर फोटो क्रिएट करते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको डिलीट कर देंगे न्यू टेक्स्ट को, एंड प्लस पर जाकर फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे, एंड यहाँ से अपने उस फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमने डाउनलोड किया है। तो ये रहा हमारा फोटो, इसको टिक पर क्लिक कर देते हैं, एंड देख सकते हो इसके पीछे बैकग्राउंड लगा हुआ है, तो इसको बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन पर, एंड यहाँ पर एक ऑप्शन देता है इरेज कलर का। अब आपको यहाँ पर इसको इनेबल कर देना है, एंड इसके बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन शो हो जाएगा। अब आपको करना है देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर आपको इसको छोटा कर देना है, यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पर कुछ इतना। एंड इसके बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है ये वाला देख सकते हो, इसको ऑन कर लेना है, जिससे आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका जो पोजीशन है वो यहाँ पर अच्छे से सेट हो जाएगा। अब देखिए इसको आपको दोबारा कॉपी करना है एंड लेकर आ जाना है यहाँ पर देख सकते हो, इसलिए हमने इस ऑप्शन को ऑन किया जिससे यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो एंड अच्छे से हमारा फोटो क्रिएट हो जाए। देखिए अब मैंने यहाँ पर देखिए तीन घोड़े ऐड कर लिए एंड एक घोड़ा और ऐड कर लेते हम देखिए इस तरीके से। एंड इसके बाद देखिए अब आपको यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले लेयर पर जाना है, एंड यहाँ पर एक ऑप्शन देखता है टिक और रोंग का, इस पर क्लिक करके चारों फोटो को सिलेक्ट करके इस थर्ड वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है एंड ओके कर देना है। अब चारों फोटो आपको एक साथ बन जाएंगे। अब आपको इसको कॉपी कर देना है एंड इसी को नीचे ले आना है, एंड इसी को कॉपी करके और नीचे ले आना है। अब आपको क्या करना है, देखिए हम पहली क्या रखेंगे, इस फोटो में कितने तीन पैर वाले घोड़े हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ घोड़ों के पैर मिटाने होंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए बीच वाले घोड़े के फोटो पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम क्लिक करेंगे इरेज पर। इसके बाद हम क्लिक करेंगे इरेजर के ऑप्शन पर एंड यहाँ से आपको इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर जूम करने के बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इरेज हो गया है। अब देखिए जो पहला वाला पैर है यहाँ पर इनको हम इरेज कर देते हैं कुछ इस तरीके से, देख सकते हो ये पैर इरेज हो गया है इसका। एंड इसके बाद देखिए
यहाँ पर इसका पैर भी हम इरेज कर देते हैं एंड जो भी ज़्यादा इरेज हो रहा है हम यहाँ पर देखिए उसको यहाँ पर सही कर देंगे दोबारा से। तो मैंने इनको इरेज कर दिया पहले, तो देखिए इस तरीके से एंड देखिए यहाँ पर पूरा इरेज हमने कर दिया है। आप क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर इसके पैर को अच्छे से आपको गायब कर देना है देखिए इस तरीके से। और इस फोटो को हम अभी सही कर देंगे, बस पहले अच्छे से जो आगे वाला पैर है उसको हम गायब कर देते हैं। अब जाते हैं हम रीस्टोर पर, देखिए इस तरीके से कुछ इस तरीके से आपको जूम कर लेना है एंड इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको इसको लेकर आ जाना है। देखिए यहाँ पर जूम पर क्लिक करके अगले घोड़े पर एंड यहाँ से देखिएगा आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये रहा एंड फिर से जूम पर क्लिक करके यहाँ पर हमने कर दिया ये प्रोसेस। देखिए इस तरीके से आप आसानी से इस फोटो को यहाँ पर इरेज कर दीजिए एंड इसके बाद हमारा सारा काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बस ये लास्ट वाले पैर मिटा दिया हमने एंड टिक पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए तीन पैर वाले घोड़े बन गए हैं। अब हमें करना क्या है, पीछे यहाँ पर जाना है फोर्थ वाले ऑप्शन पर एंड बैकग्राउंड चेंज करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले कलर पर जाएंगे एंड देखेंगे कौन सा कलर यहाँ पर अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैं देखिए कलर पर जाता हूँ एंड येलो करके देखते हैं, येलो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब टिक पर क्लिक कर देते हैं एंड प्लस पर जाकर एक शेप लेंगे एंड इसको कुछ इस तरीके से बड़ा कर देंगे एंड ऊपर कर देंगे। यहाँ पर हमें क्वेश्चन देखना है इस फोटो में यहाँ पर तीन पैर वाले घोड़े कितने हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका कलर कर देंगे हम रेड। रेड करने के बाद देखिए यहाँ पर हम जाएंगे प्लस पर एंड टेक्स्ट पर एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं देखिए इस तरीके से, यहाँ पर हिंदी फॉन्ट करना होगा हमें एंड यहाँ पर देखिए इस फोटो में, यहाँ पर देखिए इस फोटो में तीन पैर वाले घोड़े। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं तीन पैर, यहाँ पर देखिए पैर वाले घोड़े कितने हैं, कितने हैं। इसके बाद ओके कर देंगे एंड कुछ इस तरीके से ए पर जाते हैं एंड यहाँ से देखिए इसका जो कलर है वो येलो कर देंगे एंड इसको लेकर आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए इस तरीके से बड़ा कर देंगे एंड यहाँ पर देखिए इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर हम फॉन्ट पर जाते हैं एंड अच्छा सा कोई सा फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए। और फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद देखिए इस तरीके से कुछ हमारा फोटो क्रिएट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए इसको सेव करने के लिए सिंपल से आपको कर देना है टिक पर क्लिक, सॉरी सेव के ऑप्शन पर एंड सेव एस इमेज पर एंड यहाँ से आपको अल्ट्रा पर क्लिक करके सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। अब आपको फोटो बनकर तैयार हो गया है। अब आपको इसको फेसबुक पर अपलोड करने से पहले एक काम और करना होगा, क्योंकि दोस्तों आप फोटो पर जब तक हैशटैग अप्लाई नहीं करोगे तो आपका फोटो वायरल नहीं होगा। अब हैशटैग आपको कहाँ से मिलेंगे, तो इसके लिए आपको क्रोम पर आना है एंड यहाँ से मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हम क्रोम पर आ जाते हैं एंड यहाँ पर इस वेबसाइट का नाम है कीवर्ड टूल। कीवर्ड टूल वेबसाइट को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए गूगल को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम को सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर फेसबुक का ऑप्शन शो नहीं होता तो आपको इंस्टाग्राम ही सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड जो कीवर्ड है यहाँ पर आपको डाल देना है क्विज। देखिए इस तरीके से मैं लिखता हूँ क्विज। क्विज लिखने के बाद यहाँ पर हम देखिए सर्च पर क्लिक कर देंगे एंड देखिए सिर्फ और सिर्फ कुछ ही टाइम के अंदर इस वेबसाइट ने हमें काफी सारे हैशटैग जनरेट करके दे दिए। यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, बस इन हैशटैग को आप कॉपी कैसे करोगे। तो देखिए यहाँ पर इस वेबसाइट ने हमें 181 यहाँ पर हैशटैग जनरेट करके दे दिए। अब हम इनमें से पूरे हैशटैग तो लगा नहीं सकते, तो देखिए सबसे पहले हम इन पर क्लिक कर देंगे कुछ हैशटैग पर, लगभग 10 से 20 हैशटैग ले लेते हैं। देखिए क्विज एंड इसके बाद देखिए यहाँ पर जो कुछ हैशटैग फालतू है उनको हमें नहीं लेना, क्विज चैलेंज ले लेते हैं एंड इसके बाद देखिए यहाँ पर क्विज यहाँ पर ले लेते हैं, क्विजेस यहाँ पर देखिए एंड इसके बाद और कोई से यहाँ पर देखिए क्विज फन ले लेते हैं, क्विज जी के ले लेते हैं एंड देखिए इस तरीके से एंड यहाँ पर देखिए और हैशटैग तो मुझे शायद से नहीं दिख रहा है एंड अगर आपको सिलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो अपने टॉपिक के हिसाब से। देखिए यहाँ पर मैं इतने को सिलेक्ट करके कॉपी करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से आप इनको सिलेक्ट कर लीजिए एंड कॉपी कर लीजिए। इसके बाद आपको आ जाना है अपने फेसबुक एप्लीकेशन पर अपना फोटो अपलोड करने के लिए। फेसबुक पर आ जाते हैं एंड यहाँ पर प्लस पर जाते हैं और इसके बाद जाएंगे हम पोस्ट पर। पोस्ट पर जाने के बाद अब देखिए सबसे पहले हम अपना फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर ये रहा हमारा फोटो एंड यहाँ पर हम सारे हैशटैग को यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर देंगे एंड उससे पहले आपको ध्यान रखना है, देखिए आपको उससे पहले कुछ इस तरीके से यहाँ पर हैशटैग को नीचे कर देना है एंड ऊपर आपको टाइटल लिखना है हिंदी में। तो देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए इस फोटो में यहाँ पर कितने घोड़े हैं, देखिए इस फोटो में कितने तीन पैर वाले घोड़े हैं, तीन पैर वाले घोड़े हैं इस तरीके से एंड यहाँ पर एक इमोजी ऐड कर देते हैं जो सोचने वाला होता है। यहाँ पर देखिए कोई सा भी इमोजी ऐड कर लेते, ये रहा देखिए इस तरीके से
एंड इसके बाद सिंपल सा इस फोटो को यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। एंड दोस्तों ये तो कुछ आसान सा प्रोसेस, आज की वीडियो में आपने देख लिया किस तरीके से आप क्विज वाले फोटोज को बनाकर अपलोड कर सकते हो, क्या प्रोसेस रहता है। एंड अगली वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा आप क्विज वाली AI रील्स कैसे जनरेट कर सकते हो, कैसे क्विज वाली वीडियोस बना सकते हो। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। फिलहाल आपको कोई भी डाउट हो एंड आपको कुछ ही समझ नहीं आया हो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की तरह से पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल मिलते हैं मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के जैन एंड वंदे मातरम।